अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वम, या फिर लौकिकत्व किनका है? केवल भाषा शब्दों का ही है। इसलिए चूंकि लौकिकत्व भाषा शब्दों का ही है तो वैदिक शब्दों का लौकिकत्व तो है नहीं, उनका ग्रहण करना है तो अलग से निर्देश करना ही होगा। इति भेदेन निर्देशः, इसलिए उनका भेद पूर्वक निर्देश किया गया है, अर्थात अलग से निर्देश किया गया है। तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति। तो तत्र उन दोनों में से, अब वैदिक और लौकिक शब्दों में से, चूंकि लोक में पदों की आनुपूर्वी का कोई नियम होता नहीं है, वाक्यों में हम पदों को इधर उधर करके अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं ना, लोक भाषा में, संस्कृत भाषा में नियम नहीं है ना, रामः गच्छति कि गच्छति रामः बोलेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात्, लोक में पदों की आनुपूर्वी का कोई नियम ना होने से पदान्येव दर्शयति, आचार्य पदों को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लौकिक शब्दों के उदाहरण के रूप में गौः अश्वः पुरुषः हस्ति इत्यादि शब्दों को ही आचार्य ने दर्शाया है। वेदे तो आनुपूर्वी नियमाद् वाक्यान्य उदाहरति, लेकिन वेद में तो आनुपूर्वी का नियम है, इसलिए वाक्यों को उदाहृत कर रहे हैं आचार्य। शन्नो देवी रभिष्ठये इत्यादि वाक्य उद्धृत किए गए, ठीक है, पद उद्धृत नहीं किए गए। तो ये प्रदीपकार की दृष्टि है लौकिकानाम वैदिकानाम च के संदर्भ में। उद्योतकार को देखिए, वेदांगत्वादिति तत्त्वं च आगम सिद्धं, तत्व तत्व अर्थात वेदांगत्व कैसे है। प्रदीप ने कहा ना कि व्याकरण का वेदांगत्व है, तो कह रहे हैं कैसे है, तो कहा तत्त्वं च आगम सिद्धं, तत्त्व अर्थात वेदांगत्वं च आगम सिद्धम, वेदांगत्व जो है वो आगम से सिद्ध है, शास्त्रों से सिद्ध है, शास्त्र ही प्रमाण है इस विषय में कि व्याकरण वेदांग है। अनेन तंत्री शब्दादीनाम अविषयता सूचिता, अनेन अनेन अर्थात ये है बताने से कि व्याकरण वेदांग है, ये हेतु प्रस्तुत किए जाने से, प्रदीपकार के द्वारा ये हेतु प्रस्तुत किए जाने से यहाँ पर तंत्री शब्दादियों की अविषयता है इस शास्त्र में, ये बता दिया। देखो पहले कह रहे थे ना कि प्रकरण विशेष नहीं है, जिज्ञासु ये कह रहा था ना कि प्रकरण विशेष नहीं है, इसलिए जो है वो शब्दानुशासनम का शब्द पद सामान्य अर्थ वाला लिया जाएगा। अब उत्तर देने वाले व्यक्ति ने प्रकरण विशेष दिखा दिया एक तरह से कि व्याकरण शास्त्र है ना, व्याकरण शास्त्र है माने वेदांग है, वेदांग है तो प्रकरण बन गया ना, वेदांग है तो वेदांग के अनुकूल जो शब्द है वही गृहित होने चाहिए, वेदांगत्व के अनुकूल शब्द जो है वो लौकिक शब्द वैदिक शब्द साधु शब्द ही है, तंत्री शब्द आदि नहीं है, तो प्रकरण बन गया। प्रकरण के कारण से विशेष में अवस्थान हो गया सामान्य पद का भी, ठीक है। चलिए, न च वेदांगत्वाद् वैदिका एव विषयाः स्युः। अब कोई कहे कि वेदांग ये प्रकरण विशेष ले लिया आपने, तो फिर इसके अनुसार तो वैदिक शब्द ही शास्त्र के विषय होने चाहिए, वेदांग है ना, तो वेदांग है तो जो वेद को समझने में उपयोगी हो इस प्रकार का प्रकरण होना चाहिए कुछ, तो वैदिक शब्द जो है वेद को समझने में उपयोगी है तो वही आपके शास्त्र का विषय होने चाहिए, लौकिक शब्द तो होने नहीं चाहिए, ऐसा कोई जिज्ञासु यदि कहे तो। देखिए उसको उत्तर दिया जा रहा है, न च वेदांगत्वात् वैदिका एव विषयाः स्युः। ऐसा भी आप दोष नहीं दे सकते कि व्याकरण चूंकि वेदांग है तो इसलिए वैदिकः शब्दः एव अस्य विषयाः स्युः, इस शास्त्र के विषय वैदिक शब्द ही केवल होने चाहिए, ऐसा दोष नहीं दे सकते। क्यों? तत्र तत्र भाषायां छन्दसि इत्यादि उक्त्या उभयोरपि विषयत्वात्, क्योंकि आचार्य ने अपने व्याकरण शास्त्र में तत्र तत्र माने स्थान स्थान पर कभी भाषायाम ऐसा प्रयोग किया है, कभी छंदसी ऐसा प्रयोग किया है, तो इत्यादि उक्तियों के द्वारा, भाषायाम छंदसी इत्यादि कथनों के द्वारा, उक्तियों के द्वारा उभयोरपि विषयत्वात् हमें ज्ञात होता है कि दोनों ही प्रकार के शब्द यहाँ विषय हैं, लौकिक शब्द भी और वैदिक शब्द भी, ठीक है। और ये बात तो है ही जो हमने पहले हेतु दिया कि वैदिक शब्द तो उपयोगी है ही वेदांग वेद के समझने में, लेकिन साथ में उन वैदिक शब्दों का व्याख्यान तो लौकिक शब्दों से ही करना पड़ता है ना, तो इसलिए लौकिक शब्द भी वेद के ज्ञान में उपयोगी होते हैं, तो इसलिए वेदांग होने से दोनों ही विषय बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लौकिक शब्द भी और
वैदिक शब्द भी, और साथ में आचार्य का प्रमाण भी है हमारे पास। महर्षि पाणिनि जी अपने शास्त्र में कभी भाषायाम कहते हैं, कभी छंदसी, कभी निगमे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी ज्ञात होता है कि इस शास्त्र के दोनों ही प्रकार के शब्द विषय हैं। लौकिक शब्द भी विषय हैं और वैदिक शब्द भी विषय हैं, ऐसा ज्ञात होता है। आगे देखिए, ननु चिदानंद स्वरूप ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य लोक पदार्थत्वाद् वेदस्यापि लोकांतर्गतत्वाद् भेदेन अभिधानं न युज्यते। अब कोई जिज्ञासु कह रहा है कि देखो भाई, ऐसी बात है कि चिदानंद स्वरूप ब्रह्मातिरिक्तस्य, चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है ना, उनको छोड़ करके सर्वस्य, जो भी और कुछ हमें दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, वो सारा ही लोक पदार्थत्वाद्, लोक पदार्थ है। दो ही वस्तुएं, एक चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है और एक लोक है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सारा क्या है, लोक ही है, लोक के अंतर्गत ही है, तो वेद भी लोक के अंतर्गत ही है। ठीक है, देखिए यही लिखा है ना, ननु चिदानंद स्वरूप ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य लोक पदार्थत्वात्, चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ ही लोक पदार्थ है, इसलिए वेदस्यापि लोकांतर्गतत्वात्, वेद के भी लोक के ही अंतर्गत होने से भेदेन अभिधानम न युज्यते, भेद पूर्वक अभिधान, भेद पूर्वक वैदिक शब्दों का अभिधान ठीक नहीं प्रतीत हो रहा। लौकिकानाम शब्दानाम कह दिया, तो लौकिक में ही वैदिक शब्द भी आ ही गए, वैदिक शब्दों का पृथक ग्रहण ठीक प्रतीत नहीं हो रहा, युक्त प्रतीत नहीं हो रहा। इत्यतः, इसलिए प्रदीप ने ये पंक्ति लिखी, वैदिकानाम लौकिकत्वेपि प्राधान्योख्यापनाय पृथक उपादानम। प्रदीप जिज्ञासु को संतुष्ट करते हुए कह रहे हैं ना कि आपका हेतु तो ठीक है, चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ लोक पदार्थ अंतर्गत है, इसलिए वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द ही है, ये सब कुछ आपकी बात ठीक है। और आपका ये कहना कि चूंकि वैदिक शब्द भी लौकिक में आ गए, इसलिए वैदिक शब्दों का लौकिक शब्दों से पृथक उपादान करना नहीं चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी पृथक उपादान किया है तो उसमें आचार्य की दृष्टि ये है कि वो वैदिक शब्दों का प्राधान्य ख्यापन करना चाहते हैं। ठीक है, प्राधान्य ख्यापन करना चाहते हैं, ये हेतु दे दिया और उदाहरण भी दिखा दिया कि लोक में भी ऐसा होता है, ब्राह्मणा आयाता वशिष्ठोपि आयातः, जैसे लोक में प्रयोग होता है प्राधान्य ख्यापन के लिए अलग से भी बताया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे आचार्य ने लौकिकानाम वैदिकानाम च ये कहते हुए वैदिक शब्दों का प्राधान्य दिखाने के लिए अलग से उनको ग्रहण कर दिया। आगे देखिए, वैदिकानाम लौकिकत्वेपीति पाठ है। देखिए, अभी जो हमें प्रदीप में पाठ मिल रहा है वो है वैदिकानाम अपि लौकिकत्वे, ऐसा है ना। प्रदीप की पंक्ति देखिए, दूसरे कॉलम में दूसरी पंक्ति, वैदिकानाम अपि लौकिकत्वे, ठीक है, और उद्योत को पाठ मिल रहा था वैदिकानाम लौकिकत्वेपि इति पाठः, कि पाठ ये होना चाहिए यहाँ पे, वैदिकानाम लौकिकत्वेपि, वैदिक शब्दों का लौकिकत्व होने पर भी ये ज्यादा उपयुक्त है, वैदिकानाम लौकिकत्वेपि, वैदिकों का लौकिकत्व होने पर भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तेषां त्विति, ये प्रदीप का उद्धरण है ना, तेषां तु प्राधान्यम यत्नेनापभ्रंश परिहारात्, उस पे लिख रहे हैं तेषां त्विति, लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव तत्परिहारः, तेषां तु सर्वत्र इति भावः, लौकिकानां याज्ञे कर्मण्येव, जो लौकिक शब्द हैं उनका याज्ञ कर्म में ही तत्परिहार है, तत्परिहार है माने अपभ्रंश परिहार है, लौकिक शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो यज्ञ कर्म में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि लौकिक शब्दों के अपभ्रंश का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन तेषां तु सर्वत्र, जो वैदिक शब्द हैं उनका तो चाहे यज्ञ कर्म हो, चाहे अन्य स्वाध्याय इत्यादि काल हो, सब जगह यत्न पूर्वक उनमें अपभ्रंश का परिहार किया जाता है, तो इसलिए वैदिक शब्दों का तो सर्वत्र ही अपभ्रंश परिहार किया जाता है और लौकिक शब्दों का विशेषतः याज्ञ कर्म में अपभ्रंश का परिहार किया जाता है। भाषा शब्द, इसलिए वैदिक शब्दों को अलग से दिखाया यहाँ पे, वैदिक शब्दों के विषय में सावधानी विशेष चाहिए, उनमें कभी भी अपभ्रंश का प्रयोग नहीं कर सकते ऐसे। भाषा शब्दानामिति, भाषा प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहार, भाषा का अर्थ क्या है, प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहार,
तत्र प्रयुज्यमानानाम् इत्यर्थः। तत्र प्रयुज्यमानानाम् भाषा शब्दानाम्, तत्र क्व प्रयोज्य प्रयोजक जो वृद्ध व्यवहार है उसमें प्रयुक्त शब्दों को भाषा शब्द ऐसा कहा गया है। वृद्ध व्यवहार माने परंपरा से प्राप्त जो बड़े लोगों का व्यवहार है वो, और प्रयोज्य प्रयोजक माने जैसे हम जब छोटे बालक थे, दो चार पांच वर्ष के जब हम समझने लगे थे तो उस समय हम बड़ों को देखते हैं कि वो किस शब्द के लिए, किस पदार्थ के लिए किस शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे देखते हैं ना कि घटम आनय ऐसा उन्होंने बोला और दूसरे व्यक्ति ने एक पदार्थ विशेष को पकड़ा और उसके लिए एक क्रिया विशेष की, लाना रूप क्रिया विशेष की। ऐसे धीरे धीरे हम सब जग देखते जाते हैं। तो एक प्रयोजक है वृद्ध और कोई व्यक्ति और कुछ उसके द्वारा प्रयोज्य है, प्रयोज्य अर्थ है। ऐसे व्यवहार को हम देखते 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 समझते हैं कि कौन सा शब्द, हमारी बुद्धि कैसे निश्चय करती है कि ये शब्द इसके लिए प्रयोग हो रहा है। हम जब बालक होते हैं तो भाषा को, हमें भाषा एक दिन में नहीं आती, मातृगर्भ से ही जो है वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 24 सप्ताह के लगभग जब बालक का काल पूरा हो गया होता है तब वो विशेष रूप में शब्दों को ग्रहण करना आरंभ कर देता है। उससे पहले भी जो है वो उसके जो कर्ण संवेदनाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन 24 महीने में तो विशेषतः वो समझना शुरू कर देता है। तो वहां से ही भाषा के संकेतों को ग्रहण करना शुरू कर देता है और फिर अंततः ठीक ठीक बोलना तो जब 2.5-3 वर्ष का हो जाता है, तब भी ठीक ठीक नहीं, तभी भी साधारण शब्द प्रयोग करना सीख जाता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है, ऐसे होता है ना। और फिर और कुशलता आने में तो बहुत समय लगता है। तो ये जो हम सीखते हैं शुरू में छोटे आयु में, वो हम विशेषतः बड़ों का व्यवहार देख करके ही सीखते हैं। उसके लिए कोई और अलग से पुरुषार्थ नहीं होता। हम उनको सुनते हैं कानों से उनके शब्दों को और विशेष वस्तुओं के संदर्भ में क्रियाओं को करते हुए देखते हैं। उसी से हमारे मानस में, बुद्धि में निश्चय होता है कि इस शब्द का अर्थ ये वस्तु है, इस प्रकार के धातु शब्द का अर्थ। यद्यपि हमें उस समय ये नहीं पता होता ये धातु शब्द है, ये आख्यात शब्द है, ये नाम शब्द है इत्यादि, लेकिन फिर भी हम पहचानते हैं कि घटम आने ये बोल रहे हैं तो आने माने ये वाली क्रिया, धावतु बोल रहे हैं तो ये वाली क्रिया, वो देख देख करके हम वृद्ध व्यवहार से पहचान जाते हैं। तो भाषा शब्दानाम का प्रयोग है प्रयोज्य प्रयोजक जो वृद्ध व्यवहार, उसमें उस वृद्ध व्यवहार में प्रयुज्यमान जो शब्द वो भाषा शब्द है। एवं च वेद मात्रा अंतर्गत कर्णे भिर देवासो गृभनामि इत्यादि अतिरिक्त परतालौकिक शब्दस्य। तो इस तरह से जो वेद मात्रा अंतर्गत, केवल वेद के ही अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द है ना, जैसे कर्णे भिर देवासो गृभनामि, ये प्रयुक्त है वेद में। तो अब ये लोक में तो हमें ऐसे सुनाई नहीं पड़ते, लोक में तो कोई वृद्ध जन इनका व्यवहार नहीं करते, तो इसलिए वेद मात्र अंतर्गत जो करने भीर देवासो गृभनामि इत्यादि प्रयोग है, तद अतिरिक्त परता लौकिक शब्द से, लौकिक शब्दों से इनके अतिरिक्त शब्द लिए जाएंगे। ठीक है, जो वेद में ही प्रयुक्त होते हैं उनसे अतिरिक्त शब्द लोक में लिए जाएंगे। तैस तद व्यवहार दर्शनात् तैहि शब्दैहि तद व्यवहार दर्शनात्, वृद्ध व्यवहार दर्शनात्। ठीक है, तैहि शब्दैहि तद व्यवहार दर्शनात्, तद व्यवहार दर्शनात् अर्थात वृद्ध व्यवहार अदर्शनात् लिखा है, अदर्शनात् लिखा है, तो तैहि से फिर शब्द विशेष जो वेद मात्र अंतर्गत शब्द है उनको लेना होगा, क्योंकि आगे अदर्शनात् लिखा है ना। तैस तद व्यवहार दर्शनात्, तो तैहि अर्थात वेद मात्र अंतर्गत ही शब्दैहि तद व्यवहार दर्शनात्, तद व्यवहार अर्थात वृद्ध व्यवहार दर्शनात्, वेद मात्र अंतर्गत जो शब्द है उनके द्वारा वृद्ध व्यवहार देखा नहीं जाता।
ये जो दूसरा पक्ष दिया था ना प्रदीप ने, अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वम्, भाषा शब्दों का ही लौकिकत्व है। तो भाषा शब्द कौन से हैं उसको द्योत ने स्पष्ट किया कि जो लोक में वृद्ध व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनको भाषा शब्द कह रहे हैं। अब वहाँ कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ दिखाया कि जो वेदों में आए हुए शब्द हैं जस के तस, जैसे अनुपूर्वी पूर्वक, करणे भीर देवासो गृह्णामि इत्यादि प्रयोग लोक में नहीं होते, तो उनको छोड़ करके, चूंकि उस तरह के वृद्ध व्यवहार देखे नहीं जाते, तो उनको छोड़ करके जो अन्य शब्द हैं वो लौकिक शब्द हैं, उन्हीं का भाषा शब्दत्व है। ठीक है, आगे देखिए। अतएव गौर अश्व इत्यादि नाम लौकिक उदाहरणत्व संगति ही, इसलिए अतएव गौर अश्व इत्यादि नाम, गौर अश्व इत्यादि प्रयोगों का लौकिक उदाहरणत्व संगति ही, लौकिक उदाहरणत्व असंगति है। यद्यपि गव्यादयोपि लोके विदिताः तथापि न ते सर्वलोक विदिताः, यद्यपि गवि इत्यादि शब्द भी लोक प्रसिद्ध हैं लेकिन वे सर्वलोक प्रसिद्ध नहीं हैं। प्रतिदेशं भिन्नत्वाद् अपवादानां अपशब्दानां, प्रतिदेशं भिन्नत्वाद् अपशब्दानां, क्योंकि जो अपशब्द प्रयुक्त होते हैं ना किसी भी साधु शब्द के विषय में, जो अपशब्द प्रयुक्त होते हैं वो प्रत्येक देश में, प्रत्येक स्थान में अलग अलग अपशब्द प्रयोग होते हैं। उनका तो कोई नियम नहीं है कि अपशब्द बोला जाएगा तो इसी प्रकार का बोला जाएगा। गौहू का अपशब्द कहीं गवि बोला जा रहा है, कहीं गौणी बोला जा रहा है, कहीं अन्य कुछ बोला जा रहा है। एक ही अपशब्द नहीं प्रयुक्त होता है एक साधु शब्द के लिए, वो अलग अलग स्थान में अलग अलग हो सकता है। लोक शब्दश्चायम सर्वस्मिन् लोके वर्तते, और लोक शब्द यहाँ पर संपूर्ण लोक के लिए वर्तमान है, संकोच का अभाव, कोई संकोचक हेतु ना होने से। अतः सर्वलोक प्रसिद्धानां गवादि नाम इति पद्मंजर्याम स्पष्टम्, इसलिए जो सर्वलोक प्रसिद्ध गो आदि शब्द हैं उन्हीं को पद्मंजरी में ग्रहण किया है ये स्पष्ट है। लोके स्वरानादरात् वेदे तदादराच्च स्वर विशिष्टानां वेद मात्र विषयताम अभिप्रेत्य शन्न इत्यादि नाम वैदिको उदाहरण असंगति इति भावः। लोके स्वरानादरात्, लोक में स्वरों का अनादर होने से, और वेदे तदादराच्च वेद में स्वर का आदर होने से, स्वर विशिष्टानां वेद मात्र विषयताम अभिप्रेत्य, स्वर विशिष्टों को वेद मात्र विषय वाला समझ करके, शन्न इत्यादि नाम वैदिको उदाहरणत्व संगति रीति भाव, शन्न देवी रभि, शन्नो देवी रभिष्ट इत्यादियों को वैदिक उदाहरण कहें तो ये संगति नहीं होगी। भाष्य में देखिए, ये जिज्ञासु की ओर से दिखाया जा रहा है अभी तक, तो इसका उत्तर दे रहे हैं उद्योतकार भाष्य, लौकिकास्तावदिति। तावत शब्दों अनुक्रमे, तावत शब्द अनुक्रम को दिखाने के लिए है। अनुक्रम को माने अनुपूर्वी को, प्रथम द्वितीय इस प्रकार से। तावत शब्द प्रथम अर्थ में है, जैसे पहले दिखाया था ना एक बार, तावत शब्द प्रथम अर्थ में प्रयुक्त होता है। पूर्वम लौकिका उदाह्रियन्ते पश्चात वैदिका इत्यर्थः, तावत शब्द अनुक्रम में है। इसका अभिप्राय ये है कि हम क्रम पूर्वक उदाहरण दिखा रहे हैं, पहले लौकिक उदाहरण दिखा रहे हैं और बाद में वैदिक उदाहरण दिखा रहे हैं। वैदिकानां प्रधानत्वेऽपि लौकिकानां पूर्वनिर्देशस् तद्वद् आदर सूचनार्थः, वैदिकों का प्रधानत्व है यद्यपि फिर भी लौकिक शब्दों का पूर्व निर्देश कर दिया। तद्वद् आदर सूचनार्थः, वैदिक शब्दों के समान ही उनका भी आदर दिखाने के लिए, उनके संदर्भ में, लौकिक शब्दों के संदर्भ में भी वैदिक शब्दों के समान ही आदर प्रकट करने के लिए आचार्य ने पहले लौकिक शब्दों का प्रयोग कर दिया है। लोके पदानाम उदाहरणत्वोक्तौ वेदे वाक्यानामेव तत्त्वोक्तौ आशयमाह, लोक के संदर्भ में पदों का उदाहरण दिखाया गया और वेद के संदर्भ में वाक्यों का ही उदाहरण दिखाया गया, तो इसके संदर्भ में अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं। तत्रेति, प्रदीपकार की जो पंक्ति है, तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति, वेदे तु अनुपूर्वी नियमाद् वाक्यानि उदाहरति, ऐसा क्यों कर दिया है, क्योंकि लोक में
लोक में पदों की अनुपूर्वी का कोई नियम नहीं है, इसलिए एक एक पद को ही उदाहरण के रूप में दिखा दिया है, और वेद में तो पदों की अनुपूर्वी का नियम है, इसलिए वाक्य को उदाहरण के रूप में दिखाया है। तत्रेति पदांतर समभिव्याहारेण सर्वविशेषाच्च वेदे वाक्यानां उदाहरणत्वोक्तिर इत्यपि बोध्यम्। पदांतर समभिव्याहारेण, पदांतर के साथ कथन होने से, और स्वर विशेषाच्च, स्वर विशेष का प्रयोग होने से, वेदे वाक्यानां उदाहरणत्वोक्तिर इत्यपि बोध्यम्। वेदों के विषय में वाक्यों को उदाहरण दिया गया है, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी पद का, किसी वैदिक पद को दूसरे, एक पद को हम दूसरे पद के साथ बोलते हैं तो उस पद का स्वर भेद हो जाता है, ये आपको पता है कि नहीं? ये तो लौकिक शब्दों में भी है, एक 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 पद का स्वर अपना अलग होता है, लेकिन जैसे ही उस पद के साथ हम किसी दूसरे पद का प्रयोग करते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे वैदिक में, वैदिक शब्दों में जो है वो पदों का एक साथ प्रयोग है, और चूंकि एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध है, समभिव्याहार है, तो इसलिए एक पद के स्वर से दूसरे पद का स्वर प्रभावित होता है। इसलिए वेद में पूरे पूरे वाक्य का ही उदाहरण दिया है, वैदिक विषय में एक एक पद का उदाहरण नहीं दिया। लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्य एव अत्र अधिकृतत्वं, न तु शाक्तायनादि व्याकरणस्य इति उत्तराशयम् अपरे। और कुछ लोग लौकिकानाम शब्दानाम, लौकिकानाम वैदिकानाम च, ये जो उत्तर दिया है भाष्यकार ने, इसका ये अभिप्राय निकालते हैं कि आचार्य ये बता रहे हैं कि हम जो शब्दानुशासन अधिकृत कर रहे हैं व्याख्यान के लिए, वो पाणिनीय शब्दानुशासन को हम अधिकृत कर रहे हैं व्याख्यान के लिए, शाक्तायन आदि व्याकरण को अधिकृत नहीं कर रहे, क्योंकि शाक्तायन आदि व्याकरणों में ऐसा है कि वहाँ पे केवल लौकिक शब्द ही हैं, या किसी में, जैसे पीछे दिखाया था ना, प्रातिशाख्यों में केवल वैदिक शब्द ही विषय के रूप में अधिकृत हैं, शाक्तायन आदि में केवल लौकिक शब्द ही विषय के रूप में अधिकृत हैं। तो जो भाष्यकार ये उत्तर दे रहे हैं केषां शब्दानां का, लौकिकानां वैदिकानां च, इसका अभिप्राय ऐसा है कि पाणिनीय शब्दानुशासन में चूंकि दोनों प्रकार के शब्द हैं, लोक के भी और वेद के भी, इसलिए देखिए पंक्ति, लोक वेद साधारणतया, लोक और वेद के बारे में सामान्य रूप से पाणिनीय शब्दानुशासन सेवात्र अधिकृतत्वम्। चूंकि पाणिनीय शब्दानुशासन में लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों का सामान्य रूप से ग्रहण है, इसलिए पाणिनीय शब्दानुशासन ही यहाँ पर व्याख्यान के लिए अधिकृत है, ये जानना चाहिए। न तु शाक्तायन आदि व्याकरणस्य अधिकृतत्वम्, यहाँ पर व्याख्यान के लिए भाष्यकार के द्वारा शाक्तायन आदि व्याकरण अधिकृत नहीं है। इति उत्तराशयम्, ये उत्तर का अभिप्राय है, लौकिकानाम वैदिकानाम च, इस उत्तर का ये अभिप्राय है। इति परे आहुः, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। अस्तु। ओम शांति शांति शांति, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः, ओम।